लुलु मॉल में नमाज पर मचा बवाल, हिंदू महासभा का ऐलान, हम भी करेंगे सुंदरकांड। जी हां, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस हफ्ते ही खुले देश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल ने जहां अपनी भव्यता एवं अन्य विशेषताओं के कारण सुर्खियां बटोरी, वहीं बुधवार को मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर जहां तक हर तरफ कमेंट आ रहे हैं कि लोग इसके खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि हिंदुत्ववादी सरकार में तालिबानी व्यवस्था। वहीं YouTube चैनल पर भी इस वीडियो की खबर पर अपलोड किए जाने के बाद शीर्ष में लिखा गया है कि देश के सबसे अमीर मुसलमान के सामने हिंदुत्व कार्ड फीका। इस वीडियो में लुलु मॉल के मालिक मोहम्मद यूसुफ, उनके द्वारा छोटे से कारोबार से बड़े कारोबार तक पहुँच रहे विश्व के कई देशों में उनके मॉल संचालित होने के बारे में बताया जा रहा है। वही सरकार पर कटाक्ष भी किया गया। इन सब के बीच हिंदू महासभा ने जोरदार विरोध किया, वहां पर सुंदरकांड करने की घोषणा की है। महासभा के प्रवक्ता एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता शिशिर कुमार चतुर्वेदी ने हमारे संवाददाता से वार्ता के दौरान बताया कि सबसे पहले हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए, इस प्रकार से संस्कृति नहीं पनपने देनी चाहिए। वहीं प्रिंट मीडिया में एक खबर तेजी से चल रही है कि राजधानी निवासी RTI एक्टिविस्ट ब्लू वॉल के अग्निरोधी बचाव संबंधी जानकारी RTI के माध्यम से मांगी। पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से मांगी गई जानकारी पर लुलु मॉल के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा कहा गया इसकी जानकारी नहीं दे सकते।